कैबिनेट की बैठक में 1932 खतियान आधारित नियोजन नीति को मुहर लगने के बाद लगातार आरोप प्रत्यारोप जारी है। कुछ लोग इसका समर्थन कर रहे हैं तो वहीं कुछ लोग इसका विरोध कर रहे हैं। विरोध कर रहे लोगों को कोर्ट के द्वारा नोटिस जारी कर दिया गया है, जिसके बाद झारखंड बचाओ मोर्चा के सदस्य कोर्ट पहुंचकर अपना पक्ष रखे हैं। आइए सुनते हैं क्या कुछ कहना है उनका। हम लोग को 107 का नोटिस दिया गया था, तो उसका हम लोग सम्मान पूर्वक अपना जवाब दाखिल किए हैं। अभी न्यायिक प्रक्रिया है, चलते रहेगा, लेकिन हम लोग के साथ में अन्याय हो रहा है। 32 का मामला को मिला के अन्याय किया गया है। आप लोग विरोध करें तो अन्याय हो रहा है। बिल्कुल अन्याय इसलिए हो रहा है कि अपनी आवाज़ उठाने पर प्रशासन के माध्यम से दबाव बनाया जा रहा है, दबाव बनाया जा रहा है। तो ये दबाव झुकने वाला नहीं है, ये दबाव का स्वर और ऊंचा होगा। चूँकि न्यायिक प्रक्रिया में ये मामला है, ये चलते रहेगा। हम लोग प्रोटेस्ट करेंगे न्यायालय में भी, अपनी बात को रखेंगे कि जो आरोप लगा है बिल्कुल गलत है, निराधार है। चूँकि हमारा कार्यक्रम 18 तारीख को था और 17 तारीख को ही रात में हमको व्हाट्सअप किया गया 11 बजे, जबकि हम अपना संगठन का भी नामांकन नहीं किए थे। तो उसमें बताया गया कि झारखंड नवनिर्माण मंच के जो अध्यक्ष कैलाश यादव, उनके साथ में विभिन्न लोगों को जो है कि 107 का नोटिस दिया जाता है। क्योंकि रात का समय था, दूसरे दिन हम लोगों ने प्रशासन से बात किया तो बोले कि हम लोग को ऐसा संभावना था कि राज्य में जो है कि अशांति फैल सकता है, माहौल गड़बड़ा सकता है। हम लोग को देखने से लगता है लोकतांत्रिक व्यवस्था के तहत अपनी मांग रख रहे हैं, अपनी बात रख रहे हैं, तो उसका अधिकार हमको संविधान ने दिया है। अपनी बात वैसा हम रखते रहेंगे और सरकार पर हम अपना दबाव बनाते रहेंगे। चूँकि झारखंड में लगभग 90% लोगों के पास 1932 का खतियान नहीं है। ये आप कैसे कह सकते हैं? ये इसलिए कह सकते हैं कि सभी जिलों के जनप्रतिनिधि ने सार्वजनिक किया है कि सरकार जो है कि इस पर देखे, और हर जगह का सर्वे को लोग जो है कि सार्वजनिक किया है। तो उस परिस्थिति में जो है कहा जा सकता है, और मेरे पास भी रिपोर्ट है, डॉक्यूमेंट्स है, तो उस परिस्थिति में किसी भी सूरत पर जो है कि सरकार इस जल्दबाजी में निर्णय लिए, और हम खतियान का विरोध नहीं करते हैं, हम खतियान आधारित का विरोध नहीं करते हैं, लेकिन स्थानीय नीति का आधार जिस दिन से राज्य बंटवारा हुआ 15 नवंबर 2000 उस दिन से होना चाहिए। खतियान आधारित स्थानीय नीति बनाई है, लेकिन 15 नवंबर, चूँकि छत्तीसगढ़ उत्तराखंड भी उस दिन बंटवारा हुआ एक साथ में, तो वो दोनों के साथ में न्याय हुआ, तो यहाँ पर लोग अन्याय क्यों करें, यहाँ के शासक लोग जी। छत्तीसगढ़ उत्तराखंड में भी जो है कि 15 साल बिफोर से सेटलमेंट माना गया था, मापदंड लिया, तो जब से तो उसी को यहाँ मानिए, विवाद ही खत्म हो जाएगा। और आप हमको बाहरी क्यों करें, हम तो एकीकृत बिहार के समझ रहे, बिहार से ना झारखंड बट रहा है, तब मेरे साथ अन्याय क्यों हो रहा है? 70-80% आबादी के खिलाफ में अन्याय क्यों हो रहा है? तो ऐसा निर्णय लेने से पहले एक लोकतांत्रिक सरकार को ऐसा सोचना चाहिए। बिल्कुल ये डर बिल्कुल गलत था, ये डर बिल्कुल गलत था, क्योंकि हमारी किसी एक्टिविटी से अगर आपको लगा हो तो आप उसको प्रूफ कीजिए ना। हमने कहीं भी गलत कहा हो या कहीं भी गलत आपको मैसेज किया हो तो आप उसको प्रूफ कीजिए। आप केवल अपना भड़ास निकाल रहे हैं, तानाशाही चला रहे कि डर जाए, तो डरने वाला तो झारखंडी लड़का का खून है, भोजपुरी बोलने वाला खून है, डरने वाला तो है नहीं। हम झारखंड के लोग हैं और हमें अपने अधिकार की लड़ाई लड़ना आदरणीय गुरुजी शिबू सोरेन ने सिखाया है, और ये दुर्भाग्य है कि उन्हीं से सीख के उनके बेटे के खिलाफ हमको अपने अधिकार की लड़ाई लड़नी पड़ रही है। लड़ेंगे चाहे जो हो, परिणाम की चिंता नहीं है, ये सबसे कुछ हम लोग डरने वाले नहीं हैं। अब मजबूती से लड़ेंगे, कितना भी धमकी दिलवाइए, कितना भी फ़ोन कॉल करवाइए, हम लोग का खून में डरना नहीं है, अपने अधिकार के लिए लड़ना सीखें और लड़ेंगे। 107 का केस हुआ था, जिसका केस नंबर AM 2298/2022, जिसमें छः आदमी को नोटिस हुआ था, कैलाश यादव, प्रदीप तिवारी और राम सिंह यादव और बिट्टू मिश्रा, नवनीत कुमार और रंजन कुमार को, 6 आदमी को सरकार के द्वारा नोटिस दिया गया था न्यायालय में उपस्थित होने के लिए तथा 50,000 का बॉन्ड भरने के लिए, जिसमें आज 3 आदमी न्यायालय में उपस्थित हुए, कैलाश यादव, प्रदीप तिवारी और राम कुमार सिंह, 3 आदमी उपस्थित हुए और तीनों ने बॉन्ड भर दिया, और जो रेस्ट 3 बच गए हैं उनके लिए 28 तारीख को डेट न्यायालय के द्वारा डेट फिक्स किया गया है, जिसमें उन लोग को भी आना है तीनों को और आके बॉन्ड भरना है। और हाँ, बॉन्ड इन लोग से ले लिया गया है, इन लोग पर बॉन्ड भरा गया है कि 1 साल के अंदर ये लोग अगर किसी तरह का शांति भंग करते हैं तो 50,000 रुपया इनकी संपत्ति से सरकार अटैच कर लेगी, इसी शर्त पर इनको आज बॉन्ड भरा के इनको छोड़ा गया है। झारखंड बचाओ मोर्चा के सदस्य लगातार हेमंत सरकार पर निशाना साध रहे हैं और इनका कहना है कि हम डरने वाले नहीं हैं, ये इनका जो आंदोलन है वो ऐसे ही चलता रहेगा।
ऐसे ही तमाम खबर क्लिक बने रहे हमारे साथ हमारे चैनल पर न्यूज़ विंग टीवी पर। धन्यवाद।